मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यक्षिणी कौन होती है, क्या हमें यक्षिणी साधना करनी चाहिए, यक्षिणी कौन होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। देवताओं के बाद यक्ष और यक्षिणी का ही नंबर आता है। सभी देवी देवताओं और यक्ष यक्षिणी के अपने अपने लोक है, जैसे ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, इसी तरह से यक्ष और यक्षिणी का भी अपना लोक है। यक्षिणी को भगवान शिव की दासिया भी कहा जाता है। देवी देवताओं में प्रमुख ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। देवियों में सरस्वती, पार्वती, महालक्ष्मी प्रमुख है। इनको प्रसन्न करने के लिए बहुत समय तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन यक्ष यक्षिणी, अप्सरा और भूत प्रेतों को प्रसन्न करने लिए ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ती है। कहते हैं कि यक्षिणी सकारात्मक शक्ति होती है। आपने टीवी सीरियलों में यक्षिणी की कहानियां जरूर देखी होगी। कुछ यक्षिणी ऐसी होती है जिन्हें रक्त पीना बहुत पसंद होता है। क्या हमें यक्षिणी साधना करना चाहिए? बहुत से लोग यक्षिणी साधना करते हैं। यह साधना 21 से 40 दिन की होती है, लेकिन क्या गृहस्थ लोगों को यह साधना करनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि गृहस्थ लोगों के लिए यह साधना नहीं है। आप यक्षिणी को सिद्ध करके अथाह धन दौलत कमा सकते हैं। यक्षिणी जब आपके सामने प्रकट होती है तो ज्यादातर लोग धन दौलत ही मांगते हैं। वो आपको मिलेगा, लेकिन इसके बदले में वह आपसे 3 वचन मांगेगी। पहला कि आप उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरा, आप उसकी बातों को कभी अनसुना नहीं करेंगे। तीसरा वचन, आपको एक पत्नी की तरह उसे संतुष्ट करना होगा। यदि आपने ये 3 वचन दे दिए तो यक्षिणी आपकी हो गई। यक्षिणी साधना के दौरान आप अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। आपके कमरे में किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। साधना के दौरान आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते। जहां पर आप साधना कर रहे हैं उस कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। यक्षिणी साधना के दुष्परिणाम। यक्षिणी के माध्यम से आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, लेकिन यदि आपने कभी भी उसकी बातों को अनसुना किया या उससे कभी कोई भी गलत काम करवाया तो आपका और आपके पूरे परिवार का विनाश निश्चित है। यक्षिणी के द्वारा आप जो भी धन दौलत कमाएंगे वो सब आपसे छीन लेगी और आपके पूरे परिवार का और आपका अंत कर देगी। इसीलिए हमें इस तरह की साधनाओं से बचना चाहिए। ऐसी साधनाएं अघोरी करते हैं। अघोरियों की दुनिया ही अलग होती है। रात में जब सब सोते हैं तब ये रात में शमशान में तपस्या करते हैं और ये दिन भर सोते हैं। किसी भी साधना को करने से पहले अपने गुरु से मार्गदर्शन अवश्य ले। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो प्यारे दर्शकों, आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे।